नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। सोशल मीडिया पर पूज्य गुरुदेव संत श्री कमल किशोर नागर जी के नाम पर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल आईडी बनाकर बेहुदा फोटो और वीडियो को फेसबुक पर डालकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी दीपक को पुलिस गांधीनगर ने 4 दिन पहले शिकायत के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी को लेकर डीसीपी ने फेसबुक पर ही कई अकाउंट बनाने का खुलासा भी किया। गांधीनगर पुलिस को फरियादी सुनील चौहान ने एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें लिखित शिकायत सुनील द्वारा की गई अज्ञात व्यक्ति द्वारा गुरुजी के फर्जी आईडी बनाकर फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री परोसी जा रही है। फेसबुक प्रोफाइल आईडी को सर्च किया गया तो उस प्रोफाइल आईडी पर लगातार अश्लील फोटो डाले जा रहे हैं। गहन सर्चिंग के बाद पुलिस गांधीनगर ने आईटी एक्ट का प्रकरण शिकायत पर दर्ज किया। मामले को विवेचना में लेने के बाद जोन 1 डीसीपी और उनकी पूरी टीम ने मामले में जब पड़ताल की तो आरोपी सुसनेर जिला आगर निवासी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी दीपक व्यास को लेकर डीसीपी ने और भी कई खुलासे करते हुए बताया कि आरोपी ने 10 से अधिक फर्जी आईडी फेसबुक पर बना रखी है, जिसमें ज्यादातर लड़कियों की आईडी होना बताई है। आरोपी के इस कृत्य को लेकर डीसीपी ने यह भी कहा कि यूजर्स और फॉलोअर्स बढ़ाने का एक तरीका आरोपी ने अपनाया है। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और कानूनी धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई की जा रही है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें गुरुदेव संत श्री कमल किशोर जी हैं उनके नाम से फेसबुक की एक आईडी बनाई गई थी और फेसबुक का पेज था, जिसमें पिछले 15-20 दिनों से लगातार अश्लील फोटोग्राफ्स, वीडियोस और कॉमेंट्स करे जा रहे थे और अपलोड किए जा रहे थे। इसमें वहाँ के जो लोग हैं, जो गुरुदेव के फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा काफ़ी रोष भी उनमें व्याप्त था कि इस प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं। इस पे FIR करने के बाद जब हमने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी निकाली तो उसमें पता चला कि दीपक पिता प्रेम नारायण हैं, जो कि आगर मालवा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा वो फेसबुक आईडी बनाई गई थी, उसमें यूज़ जो जीमेल आईडी थी और जो मोबाइल नंबर्स या आईपी के माध्यम से जो आईपी जो एड्रेस के माध्यम से जो फेसबुक आईडी बनाई गई थी वो इनके द्वारा बनाई गई थी। इनसे पूछने पर भी इसने बताया है कि मैंने ऐसी फेसबुक आईडी बनाई थी इसका कह और इसके मोबाइल की जो जाँच की तो उसमें भी करीबन 10 से 12 फेसबुक आईडीज़ हैं, जिसमें बहुत सारी आईडीज़ जो हैं वो लड़कियों के नाम से फेक आईडीज़ बनी हुई हैं, जिसमें भी अलग अलग तरह की फ़ोटोग्राफ्स और अन्य चीज़ें अपलोड की गई हैं। इसका एक कहना ज़रूर है कि ये TRP जिसे कहते हैं कि फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता था, इसे लगा था ये एक आसान तरीका है व्यूअरशिप कैच करने का, कि आप किसी संत या महात्मा या गुरुदेव के नाम पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे तो अमूमन सी बात है लोगों का इंटरेस्ट उसमें जागता है, तो इसी कारण से इसने की थी। इसकी अभी अरेस्टिंग की गई है। इसमें यह भी चेक करा जा रहा है कि जो अन्य फेसबुक आईडीज़ बनी हैं और जो बुरहानपुर में भी शायद इस प्रकार का एक मामला जो पंजीबद्ध हुआ है, क्या उसमें भी इसी का हाथ है। हाँ, बुरहानपुर पुलिस से भी हम सारे डिटेल शेयर करेंगे, फिर इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। इसकी प्रोफाइल किस टाइप की है, क्यों ये कर रहा है? राइट, इसमें एक जो लड़कियों की आईडी जो आप पूछना चाह रहे हैं, लड़कियों की जो आईडी है वो जैसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट वाली जो आईडीज़ होती हैं बहुत सारी वो हैं, उसमें अमूमन एक पैटर्न ज़रूर देखा गया है कि जो फ़ोटोज़ हैं वो जो एक प्राइमा फेसी देख के समझ में आता है कि फ़ोटोज़ उस प्रकार की नहीं है जो जनरली हम अगर अपनी रियल आईडीज़ बनाते हैं तो वैसी आईडी है इसकी। ये आईडी थोड़ी सी प्रोवोकेटिव है, थोड़ी उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या आपके जो आई कैची जिन्हें कहते हैं कि पहली बार देख के आपका अटेंशन ग्रैब कर लेती हैं, उस तरह की कुछ डिटेल्स हैं। लगातार ऐसी फ़ोटोज़ ये इसका तो कहना है अभी कि इंटरनेट के माध्यम से मैं डाउनलोड करके फिर अपलोड करता था अपनी आईडी में बता के, फिर भी उसको एक बार चेक किया जाएगा कि एक्चुअली में वो कहाँ से आई हैं फोटोग्राफ्स जो उसने अपलोड किए हैं। सर, कुछ ब्लैकमेलिंग का भी है जो लड़कियों की प्रोफाइल बनाकर किसी से वसूली वसूली किया इस तरह से? अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। ऑल्दो इसके फेसबुक मैसेजेस में चैट्स हैं, बट वो अमूमन पुरुष लोगों से हैं इनके चैट्स जो हैं, पर फिर भी अगर किसी को हम इसकी जानकारी भी सब जगह साझा कर देंगे, मीडिया में भी इसकी जो आईडीज़ हैं उनको दे देंगे, अगर किसी को शिकायत है कि हमें इस आईडी या इस प्रोफाइल आईडी से कभी कोई धमकाया गया हो या हमसे एक्सटॉर्शन किया गया हो तो वो हमसे आके संपर्क कर सकते हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।